नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की आज की घटना भी सीरियल किलर्स की श्रृंखला की अगली कड़ी है। अब तक मैं आपको कुल 18 सीरियल किलर्स के बारे में बता चुका हूं। इनमें से एक बांग्लादेश और दो पाकिस्तान के हैं। बाकी 15 हमारे देश के अलग अलग राज्यों से संबंधित हैं। हमारे सुधी श्रोताओं ने, किस्सा गोई परिवार के सदस्यों ने, कुछ लोगों ने कहा कि साहब अब बहुत हो गया, सारे सीरियल किलर्स ये उसी दौर के हैं जब सीसीटीवी, जब जीपीएस की लोकेशन, जब एंड्रॉयड फोन, सीडीआर, ये सब पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं थे। इसलिए मेरा मानना है कि नई जनरेशन को ऐसे सीरियल किलर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैं बार बार ये कहता हूं कि अब इस तरह के सीरियल किलर्स का होना, इतने लंबे समय तक अपराध एक ही तरीके से करना और उसके बाद बहुत दिनों तक गिरफ्तार न होना, ऐसा इसकी संभावना आज की तारीख में बहुत कम है। ऐसा संभव नहीं है, एक दो मैक्सिमम तीन तो कोई झटके में कर भी सकता है, लेकिन इसके बाद हमारे जो इन्वेस्टिगेशन के टूल्स, कम्युनिकेशन की इस एज में, आईटी के इस एज में जो आ गए हैं, उससे ऐसा बहुत कम लगता है, ऐसी संभावना बहुत कम है कि ये इतने दिनों तक इस तरह की जघन्य हत्याएं या अपराध करते रहें। आज का सीरियल किलर महाराष्ट्र का सबसे फेमस, सबसे दुर्दांत सीरियल किलर है। बात 65 और 66 की है, जब मुंबई के बाहरी इलाके में, सबर्बन एरिया में, एक के बाद एक करीब 26 घटनाएं, 26 मर्डर्स हुए। इनमें से कुछ लोग बच भी गए जो आज की तारीख में जीवित भी हैं। दो साल के लिए ये हत्याएं बिल्कुल बंद हो गईं और 68 में ये फिर शुरू हुई। पुलिस तब तक सतर्क हो गई थी और काफी मशक्कत के बाद, बहुत ही मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद असली सीरियल किलर पकड़ा गया। मैं आपको बताऊं कि 65 से और 68, मैंने बताया कि 65 और 66 इसमें बहुत बड़ी संख्या में, और उसके बाद 68 में 6 से 8 तक कत्ल इस तरह के हुए और कुल मिलाकर 41 मर्डर्स मुंबई और उसके सबर्ब्स में, आसपास में हुए। पुलिस के पास बहुत ज्यादा क्लू नहीं था। दूसरी बार का जब, पहले तो दो साल तक, साल भर तक 65-66 में जब ये 40 और 41 मर्डर्स हुए, बहुत हल्ला गुल्ला हुआ। पुलिस ने तमाम रिकॉर्ड्स पुराने अपराधियों के छांट लिए, पुराने अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स जो उपलब्ध हो सके थे वो इकट्ठा कर लिए, पुराने अपराधियों की फोटोग्राफ्स इकट्ठा कर ली, लेकिन सीरियल किलर्स की इस तरह की कोई फोटोग्राफ नहीं थी। 66 के बाद एक व्यक्ति पकड़ा गया, पुरानी जो हिस्ट्री थी उसके हिसाब से उसे पकड़ा गया। वो चोरी और रॉबरी में, यानी लूट में बंद हुआ था। इलाका वही था, मुंबई का बाहरी इलाका, और जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज
सेंट्रल रेलवे की है, जीआईपी लाइन जिसे कहते हैं, उस रेलवे लाइन के किनारे के हिस्से में ये सभी घटनाएं हुई थी। उस आदमी को पकड़ा गया, उसकी फोटोग्राफ लाई गई, उसकी फोटोग्राफ जो जेल में थी वो मिली, बहुत पूछताछ हुई, लेकिन मर्डर से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट एविडेंस पुलिस को नहीं मिला और उसको छोड़ दिया गया। उसको छोड़े जाने के बाद 68 में फिर ये शुरू हुआ। ऐसा लगता था कि किसी नुकीली वस्तु जिसको यहां स्थानीय भाषा में सब्बल कहते हैं, सब्बल से इसको कनपटी के पास वार करके या कभी कभी उसमें होल करके ऐसे व्यक्तियों की हत्या की गई। जब अगली बार यानी 68 में जब ये घटनाएं शुरू हुई, तो मैंने आपको बताया कि पहले भी महाराष्ट्र में या मुंबई में जब 40-41 घटनाएं इस तरह की, सब गरीब लोग थे, झोपड़पट्टी के लोग थे, घर के बाहर सोते हुए उनकी हत्याएं हुई थी, तो उन्हीं के भीतर यानी झोपड़पट्टी में ही इसका इतना डर समा गया कि लोगों ने बाहर सोना बंद कर दिया, खुले में सोना बंद कर दिया। एक तो गरीबी की मार, मुश्किल से उनकी झोपड़पट्टी, और वो मजबूर हो गए अपनी झोपड़पट्टी के भीतर। क्या वहां पर वातावरण रहता है, किस तरह ना हवा की कोई गुंजाइश है, ना बहुत ज्यादा सफाई है, लेकिन फिर भी लोग रहते थे। 68 में जैसे ही ये शुरू हुआ, वैसे ही फिर एक बार भय का वातावरण मुंबई में बन गया। उस समय के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सीआईडी क्राइम ब्रांच के श्री रमाकांत कुलकर्णी को यह जिम्मा दिया गया कि वो इस घटनाओं को कारित करने वाले अपराधी का पता करें, इन घटनाओं को जो अंजाम दे रहा है उसका पता करें, इसे अभी ही रोक लें, वरना आगे जाकर ये ज्यादा दुख देगा। आगे जाकर जब संख्या इसकी ज्यादा होगी तो फिर एक बार हाहाकार मच जाएगा। रमाकांत कुलकर्णी ने एक टीम बनाई, उस टीम में अच्छे अच्छे सब इंस्पेक्टर्स जिनका क्राइम में अच्छा काम रहा है उनको बुलाया गया, उन्हें ब्रीफ किया गया। जितने भी सस्पेक्ट थे इस तरह के छोटे मोटे क्राइम में जो लिप्त थे, जिनके रिकॉर्ड्स जेल में या पुलिस के थानों में उपलब्ध थे, उनको सबको इकट्ठा करके उनकी सबकी फोटो प्रतियां करा करा के सारी टीम मेंबर्स को दिया गया कि इस हुलिया का आदमी, इस तरह का आदमी ढूंढ कर निकाला जाए। मुंबई पुलिस की डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी की टीम में एक सब इंस्पेक्टर थे एलेक्स फियालो, उनके पास भी सभी सस्पेक्ट या जो हो सकते हैं उनकी सारी फोटोग्राफ थी। एक फोटोग्राफ के माध्यम से, एक फोटोग्राफ को देखकर एक व्यक्ति को उन्होंने दो संभ्रांत आई विटनेसेस के सामने डिटेन किया। जेल के रिकॉर्ड्स की फोटोग्राफ और थाने की फोटोग्राफ उस व्यक्ति से काफी मिलती जुलती थी। उसे थाने पर लाया गया, थाने पर उससे पूछताछ की गई। एलेक्स फियालो ने उसकी बुशर्ट और खाकी रंग के शॉर्ट्स पे खून के बहुत निशान दिखे। उसे पूछा ये खून के निशान कहां से आए हैं। पहले उसने इधर उधर की बात की, फिर उसने अपना नाम रमन राघव बताया। उसने ये बताया कि वो मूल रूप से तमिलनाडु के तिरुनेवेली इलाके का रहने वाला है, लेकिन उसका कोई पक्का पता मुंबई का नहीं है। वो इधर उधर घूमकर अपना अपने जीविकोपार्जन के लिए इधर उधर के काम करता है। लेकिन धीरे धीरे
पुलिस ने उससे अच्छे से जब पूछताछ की तो उसके पास जो सामान मिला उसमें उसका एक चश्मा, दो कंघियां, दो कैंचियां, एक अगरबत्ती लगाने वाला स्टैंड, साबुन का एक टुकड़ा, बड़ी मात्रा में लहसुन गार्लिक, चाय की पत्तियों का पाउडर और कुछ पेपर्स मिले जिसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन लिखे हुए थे। शुरुआत में उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बार बार पुलिस उससे पूछती रही लेकिन उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उसकी काफी, जिसको कहते हैं कि थर्ड डिग्री एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन काफी उसके साथ पुलिस ने श्रेणीबद्ध पूछताछ की, लेकिन वो कतई बोलने को तैयार नहीं था। एक दिन एक यंग ऑफिसर, जहां उससे पूछताछ कई दिनों से हो रही थी, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, वो उसके उस इंटरोगेशन रूम में घुसा। उसने कहा, भाई तुम इतने दिन से लोगों को परेशान कर रहे हो, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे लेकिन तुम सही सही बता दो। उसने छूटते ही कहा कि मुझे मुर्गी चाहिए, चिकन के लिए उसने कहा। फौरन अपने सुपरवाइजरी ऑफिसर को बताया कि साहब इसको मुर्गी खिला दीजिए, चिकन खिला दीजिए, हो सकता है ये कुछ बता दे। उसे चिकन लाया गया, खा लिया, फिर भी वो कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। फिर उससे कहा गया कि और क्या चाहिए, उसने कहा हमें चिकन करी दीजिए। चिकन करी भी उसे लाकर दिया गया। फिर उसने चावल की डिमांड की, चिकन करी के साथ उसने चावल खूब, जिसको कहते हैं, छक के खाया। उसने कहा कि मैंने शरीर में तेल नहीं लगाया है, मुझे हेयर ऑयल चाहिए। एक शीशी हेयर ऑयल भी उसको दिया गया। उसने कहा कि हमारी कंघी और हमारा शीशा, वो भी मुझे नहीं दिया गया, वो भी मुझे दिया जाए। एक कंघी और एक शीशा भी उसे दिया गया। तेल लगाकर उसने बाल अपने कंघी किए, पूरे शरीर में भी तेल लगाया और शीशे में अपने आप को देख के मुस्कराया और ये कहा कि देखिए मैं कितना स्मार्ट हूं। उस यंग पुलिस अफसर ने कहा, बिल्कुल तुम बहुत स्मार्ट हो, इसमें कोई दो राय नहीं। तब उसने कहा कि बताओ तुम लोग क्या जानना चाहते हो। हालांकि ये सब तैयार होने के बाद उसने ये भी कहा कि वैसे तो मुझे एक प्रोस्टिट्यूट भी इस समय चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ ये गैर कानूनी है, तुम लोग नहीं दे पाओगे, लेकिन अब बताओ तुम, तुम्हें क्या चाहिए। उस यंग ऑफिसर ने उससे कहा कि हमें तुमने जो मर्डर किए हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए। उसने अपनी भाषा में कहा, मर्डर, अच्छा मैं समझ गया, चलो एक गाड़ी लाओ, दो सिपाही लाओ, मुझे बिठाओ, मैं बताता हूं कितने मर्डर मैंने कहां कहां किए हैं। उसके बाद उसने बोरीवली के इलाके में जाकर कुछ, जो उसने शुरुआत के 65-66 में जो मर्डर्स किए थे, जो हत्याएं की थी, उनके बारे में बताया। जब वो बातें सही होने लगी तो जो पुलिस टीम उसके साथ गई थी, वो यंग अफसर जो उससे अच्छा कन्वर्सेशन में आ गया था, जिसकी बात वो अब सुन रहा था क्योंकि उसने उसको चिकन करी, चावल और चिकन खिलाया था, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स ने कहा कि यार अभी तक इसने आला कत्ल, यानी जिससे ये मर्डर करता है, वो बरामद नहीं कराया, पता नहीं ये कब बिदक जाए, पहले किसी तरह से उससे आला कत्ल, यानी वो इक्विपमेंट, वो औजार जिससे इसने हत्याएं की हैं, वो बरामद करा लो, उसके बाद फिर हम घूम कर इसकी
बाकी सारी घटनाओं के मौके को देख लेंगे। उस यंग अफसर ने यह भी कहा। उसने कहा चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं। रमन राघव उसको एक जंगली इलाके में ले गया। रमाकांत कुलकर्णी साहब जो डीसीपी हैं, उन्होंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया। वहां ले गया और वहां उसने उसको झाड़ियों में से निकालकर एक अकाडा, जिसको वो अकाडा कहता था, अकाड़ा या अकाडा कहता था, एक सब्बल जैसा हथियार निकाल कर दिया। वो सब्बल एक तरफ नुकीला और दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था। पुरानी गाड़ियों में या आज के जो पुराने ट्रैक्टर्स हैं, इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक जो रॉड को घुमा के और हत्था पकड़ने के होता है, जिससे वो ऐसे ऐसे घुमा के इंजन को उसको मोशन में ले आते हैं और तब वो इंजन स्टार्ट होता है। ये कुछ उस शक्ल का था। मैं जो बरामद उसका आला कतल है वो कम्युनिटी में पोस्ट करूंगा, जो रिकॉर्ड्स में है पुलिस के, आप उसको देखिएगा। एक तरफ छोटा सा पकड़ने का हत्था, उसी रॉड को, सिंगल रॉड का है, आगे चल के वो टेढ़ा कर दिया गया और एक तरफ वो नुकीला। उसने बताया कि मैंने सारी हत्याएं इसी से की हैं। श्री रमाकांत कुलकर्णी उस हथियार के बारे में बताते हैं कि ये ऑक्टागोनल रॉड था जो एक एंड पर नुकीला था और दूसरी तरफ वो मोड़ा गया था। उसका सरकमफेरेंस उस रॉड का, यानी उसका व्यास 4 इंचेस था और उसमें जहां जहां बेंड किया हुआ था बड़ी मात्रा में ब्लड स्टेन्स लगे हुए थे। उसने, रमन राघव ने, उन्हीं झाड़ियों में से एक स्क्रू ड्राइवर, एक चाकू और एक आयरन की जिमी और कुछ कलर्ड रुमाल, रंगीन रुमाल कई एक, उसने अलग अलग जगह से पत्थरों से निकाल कर दिए। पुलिस ने गहरी सांसें ली कि उनका काम अब ज़्यादातर निपट गया। उससे पूछा गया कि ये तुमको कहाँ से मिला, कहाँ से बनवाया या कहाँ से खरीदा। उसने बताया कि ये मेरा एक दोस्त माइकल है जो तमिलनाडु में वहीं का रहने वाला है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। वो लोहे के छोटे मोटे काम, इस तरह के लोहार का काम जैसे कहते हैं, वो करता है। मैंने उससे ऐसा एक हथियार जो भारी हो, लेकर चलने में आसानी हो और जिसके बारे में टोका टोकी होने पर एक्सप्लेन किया जा सकता हो, क्योंकि वो एक जगह से बेंड था और उस समय गाड़ियों को, डीजल गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए वो भीतर इंजन में उसको फंसा के और जब जोर जोर से एक आदमी चलाता था। अब भी कहीं कहीं मैं वीडियो में देखता हूँ ट्रैक्टर से स्टार्ट करने के लिए, खासकर पाकिस्तान में ट्रैक्टर स्टार्ट करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। माइकल को लाया गया। माइकल से पूछा गया कि क्या तुमने ये बना के दिया था। उसने कहा हाँ, मेरा ये दोस्त था, मैं इसको तांबी के नाम से पुकारा करता था। तांबी ने कहा कि मुझे एक मोटा आयरन जो आराम से हम पकड़ सकें। उसका ये कहना था कि बिल्कुल सीधा रहेगा तो झटका देने पर वो छिटक कर जा सकता है। एक तरफ उसके कुछ ऐसा कर्व, ऐसा मोड़ कर दो ताकि उसे मैं पकड़ सकूं। तो मैंने ऐसा बना के दिया था और मुझे कुछ दिन बाद ये पता लगा कि ये जिन लोगों के साथ झोपड़पट्टी में रहता था वो भी हमारे ही दोस्त थे और हमारे ही इलाके के रहने वाले थे। उन सभी की एक रात में ही हत्या हो गई थी। मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि तांबी को पता होगा, लेकिन मैं ये कभी सोच भी नहीं पाया कि तांबी ने ही इन सब की हत्या की होगी। एक दिन तांबी फिर आ गया। मैंने सोचा इससे पूछूंगा। मैंने चाय मंगाई।
जब मैंने तांबी को चाय दी तो उसने चाय लेने से रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा मैं तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीऊंगा क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो। माइकल कहता था, माइकल ने बताया कि मैंने कहा ठीक है तो मेरा वो सब बल जो मैंने तुमको बना के दिया था वो मुझे वापस कर दो क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं, मैंने तुमको बना के दिया था। इतना सुनते ही वो बहुत नाराज हुआ और वहां से चला गया। उसके बाद रमन राघव ये चीजें रिकवर कराने के बाद बोरीवली की तरफ पूरी टीम को लेकर गया और वहां पर उसने वो सारी जगहें दिखवाई जहां जहां उसने हत्याएं की थी और 2-3 दिन में ऐसी सारी जगहों का पता लग गया जहां पर उसने हत्याएं की थी और ये संख्या जो उसने दिखाई वो करीब 41 की थी, 41 की थी। 41 मर्डर्स के बारे में उसने बताया और जगह भी बताई। पुलिस को अब कोई जिसको कहते हैं कोई डाउट नहीं रह गया था कि रमन राघव के अलावा दूसरे किसी ने ये सब सीरियल किलिंग्स की है। पहली बार ये जब पकड़ा गया था, यानी इसकी जो जेल में फोटोग्राफ और उसकी डिटेल मिली थी उसके बारे में डीसीपी साहब रमाकांत कुलकर्णी साहब लिखते हैं कि ये पहले चोरी और रॉबरी में पकड़ा गया था। ये बात 96 यानी पहले वाले सीरियल किलिंग की पहले की है। इसे मौके पर कुछ लोगों ने पकड़ लिया था, एफआईआर हुई थी, ये जेल चला गया था। लेकिन जेल में इसने जब ये जेल गया था उस समय पुलिस ने कई चोरियों में इसका नाम खोला था। करीब 3-3.5 साल जेल में रहने के बाद ये जेल से बाहर आया था लेकिन आरोप सिर्फ चोरी और रॉबरी के थे। इससे बड़ा कोई आरोप इसके ऊपर नहीं लगा था और इसी वजह से वो फोटोग्राफ संबंधित थाने पर और संबंधित जेल के रिकॉर्ड में मौजूद था। जिस समय इसको पकड़ा गया उस समय इसने अपना नाम रमन राघव के अलावा ये भी बताया कि मुझे सिंधी दलवई के नाम से भी हमारे आसपास के लोग जानते हैं। वो एफआईआर फिलहाल 2 लोगों की हत्या की 302 आईपीसी में इसके विरुद्ध लिखवाई गई। लालचंद जगन्नाथ यादव और दुलार जग्गी यादव, ये चिंचावली गांव मलाड ग्रेटर बॉम्बे में था, वहां इसकी हत्या, जो लास्ट हत्याएं इसने की थी जिसके ब्लड के बारे में वो कहता था कि उस हत्या का ब्लड मेरे इस जो मैंने पैंट पहन रखी है उसमें लगा है। बाद में यही एविडेंस के रूप में जो ब्लड स्टेन्स उसमें थे उसका और इसके डीएनए का मैच कराकर ये एविडेंस के रूप में वहाँ इस्तेमाल किया गया था। सारे जितने मर्डर हुए थे सबके एफआईआर सबकी लिखी गई थी, सब कंपाइल करके इसका इससे ये कहा गया कि जो तुमने बताया है क्या ये कन्फेशन तुम कोर्ट में करोगे। उसने कहा बिल्कुल करूंगा और हुआ भी यही। जब इसका पहला ट्रायल प्रिलिमरी ट्रायल जो शुरू हुआ वो एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के यहाँ शुरू हुआ। पहले तो वहाँ पर फिर इसने वही किया, सवालों का जवाब बिल्कुल एक चुप हजार चुप। लेकिन मजिस्ट्रेट ने धीरे धीरे जब इससे बहुत प्यार से पूछना शुरू किया और फिर उसने वही कहा कि साहब मुझे चिकन करी और चावल और चिकन हमें खिला दिया जाए, मैं सब बताऊंगा। इसे कोर्ट से बाहर ले जाया गया, पुलिस वालों ने इसे इसकी पसंद का खाना खिलाया। वापस कोर्ट में आने पर उसने सारी बातें मजिस्ट्रेट के सामने बता दी कि मैंने ये हत्याएँ की हैं, इस वेपन से की हैं जो पुलिस ने रिकवर किया है और कैसे कैसे किसको किसको मारा है और पहले जो इसने चोरी की थी क्या क्या चोरियां की थी, किस आरोप में ये जेल गया था और कैसे ये छूटा था। बहुत ही डिटेल्ड कन्फेशन इसने कोर्ट में किया था। उसके बाद इसका एडिशनल सेशंस जज मुंबई के यहाँ 2 जून 1969 को ट्रायल शुरू हुआ।
सबसे पहले डिफेंस काउंसिल ने यह कहा कि साहब ये अपना डिफेंस करने में इनकैपेबल है, ये अपना डिफेंस खुद नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अनसाउंड माइंड का है। और कोर्ट में ये भी कहा गया कि हो सकता है ये जो कन्फेस कर रहा है इसका मतलब ये अपराध इसने किया है, लेकिन अनसाउंड माइंड की वजह से इसे उसके कंसीक्वेंसेस का पता नहीं है। इसने किया तो, लेकिन इस जानकारी के बगैर कि ये अपराध है और इस अपराध की क्या सजा हमको मिल सकती है, इसलिए अपराध दर अपराध ये करता रहा। खैर, पुलिस ने इनकी बातों का जवाब दिया और कोर्ट से कहा कि साहब इसकी हेल्थ की एक बार जांच करा ली जाए। ट्रायल कोर्ट ने पुलिस सर्जन को यह आदेश किया कि आप इसका डिटेल्ड एनालिसिस करें कि क्या मानसिक रूप से ये परेशान है। और पुलिस सर्जन ने मुंबई में 28 जून 69 से 23 जुलाई 69 तक इसकी डिटेल जांच की। जांच करने के बाद बताया कि यह आदमी न तो किसी साइकोसिस और न ही किसी मेंटल रिटार्डनेस के जो साइन होते हैं ये इसमें बिल्कुल नहीं मिले। इसकी मेमोरी बहुत साउंड है और इसका इंटेलिजेंस का लेवल नॉर्मल है। उसको अपने किए गए काम के बारे में जानकारी है, उसकी नेचर, ही इज अवेयर ऑफ नेचर एंड पर्पज ऑफ हिज एक्ट। इसलिए ये कहना कि ये इंसेन है ये बिल्कुल गलत है। और पुलिस सर्जन ने एक सर्टिफिकेट कोर्ट में प्रस्तुत किया कि इट इज टू बी सर्टिफाइड दैट ही इज नॉट एन इनसेन पर्सन। एक बार इस तरह की ओपिनियन आने के बाद ट्रायल फिर शुरू हुआ। डिफेंस लॉयर ने एक डॉक्टर को जो नायर हॉस्पिटल का साइकेट्रिस्ट था उसको अपने डिफेंस में बयान देने की कोर्ट से अनुमति चाहिए, उसको अनुमति दी गई। वहां उसने कहा कि मुझे जेल के अधिकारियों ने इसकी जांच करने के लिए 5 अगस्त 1969 को बुलाया था और मैंने इसकी जांच की थी और मेरी जांच के हिसाब से ये उस समय ही वह सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया, ये पागलपन के दौरे जिनको पढ़ते हैं सिज़ोफ्रेनिक लोग कहे जाते हैं, तो उनका ये कहना था कि ही सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया और इसीलिए वो अपने जो वो करता है वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है इसका उसे ज्ञान नहीं हो सकता। इस बयान के बाद फिर डिफेंस ने ये कहा कि बिल्कुल इसने ये सारे क्राइम किए हैं जो ये कन्फेस कर रहा है, उसको ये पता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू लॉ, यानी वो जो कर रहा है वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, ये इसको नहीं पता बिकॉज ऑफ हिज इनसेन माइंड। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मुंबई ने, जिनके कोर्ट में ये ट्रायल चल रहा था, उन्होंने इन सारी बातों को खारिज कर दिया और इतने ज़्यादा इतने हीनियस हत्याओं के आरोप में उसे ही वॉज गिल्टी ऑफ द चार्ज ऑफ मर्डर एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। एडिशनल सेशंस जज ने कहा कि इसे फांसी की सजा दी जाती है। हमने पहले भी जांच कराई थी, हमने बाद में भी जांच कराई, ये बिल्कुल ठीक है, इसे सब पता था, जानबूझकर उसने ये हत्याएं की हैं। रमन राघव ने इसकी अपील करने से इनकार कर दिया। बहरहाल जो समय, जो स्टिपुलेटेड टाइम होता है कि आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, वकीलों ने अप्रोच किया सिर्फ एक रिक्वेस्ट के साथ कि सर नायर हॉस्पिटल के जिस डॉक्टर ने इसको जेल में देखा था और जिसका कहना है कि ये सिज़ोफ्रेनिया का मरीज है, क्रोनिक पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया का, इसकी एक बार जांच करा ली जाए।
कोर्ट ने ये बात मान ली। कोर्ट ने डॉक्टर्स का एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाया और जिसमें सारे एक्सपर्ट थे, साइकेट्रिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, डॉक्टर्स थे जो इस तरह की मेंटल इलनेस का इलाज करते हैं, और उनसे कहा कि अब की बार जो दो कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स हैं इसकी मेंटल हेल्थ के बारे में, एक पुलिस सर्जन की है, दूसरे नायर हॉस्पिटल की स्पेशलिस्ट डॉक्टर की है, आप इसको अच्छी तरह से एग्जामिन करके कोर्ट को अवगत कराएं कि बात सही क्या है। इस पूरे बोर्ड ने 5 बार रमन राघव से बात की, हर बार करीब करीब 2 घंटे या उससे ज़्यादा। जब उन्होंने फाइनली बात की और वो वहाँ से जाने लगे ये कह के कि चलो भाई ये हमारा तुम्हारा साक्षात्कार था, हम जा रहे हैं, तो उन्होंने उससे हाथ मिलाने की कोशिश की एंड ही रिफ्यूज टू डू सो। उसने ऐसा हाथ मिलाने से मना कर दिया और उसने कहा कि वो कानून का आदमी है और वो ऐसे लोगों से जो उसकी गलती देखने आए थे या जो इंसेन माइंड के हैं, डॉक्टरों को कह रहा था, उस पैनल ऑफ डॉक्टर्स को, मैं तुमसे हाथ नहीं मिला सकता। उन्होंने एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट, जो मेडिकल बोर्ड था हाई कोर्ट के आदेश पर बनाया गया था, एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट की। उसमें लिखा कि इसकी बचपन की कोई हिस्ट्री उपलब्ध नहीं है, कोई रिलायबल सोर्स नहीं है जिसमें इसके पेरेंट्स की कोई इस तरह की मेडिकल हिस्ट्री उनकी मिल सके, वो भी उपलब्ध नहीं है। पर ये जब बच्चा था तब से चीज़ों को चुराने की इसकी आदत थी। ही वॉज ऑलवेज इन हैबिट ऑफ स्टीलिंग इवर सिंस ही वॉज ए चाइल्ड। वो किसी स्कूल में कभी गया नहीं, कभी पढ़ा नहीं। जब वो पुणे से 1968 में लौट के आया तो वो जंगल में रहा करता था। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आगे कहती है कि इसके स्कल का एक्सरे, रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन, सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर सिफिलिस, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग टेस्ट फॉर सिफिलिस, यूरिन एंड स्टील एग्जामिनेशन, ECG examinations, ये सब नॉर्मल हैं, ये नॉन कंट्रीब्यूटरी हैं। ही वॉज ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस एंड देर इज नो ऑर्गेनिक डिसीज टू अकाउंट फॉर हिज मेंटल कंडीशन। ऐसा कोई रोग, मर्ज या व्याधा नहीं है जो उसकी मेंटल कंडीशन को डिस्क्राइब करता हो। 5 इंटरव्यू उसके हुए हैं, उससे सिस्टमेटाइज डिल्यूजन, उसको कभी कभी जैसे डिल्यूजन में आदमी इधर उधर की बातें करने लगता है, वो डिल्यूजन जरूर उसको उसके अंदर दिखाई पड़ा। वो बार बार एक दो दुनिया की बात करता था, एक दुनिया, कानून शब्द का इस्तेमाल उसने 50 बार इस कन्वर्सेशन में किया है, कानून और दूसरा वो जिस दुनिया में रह रहा है। अपनी रिपोर्ट में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात मेडिकल बोर्ड ने लिखी कि वो बार बार ये कहता रहा कि लोग मेरा सेक्स चेंज कराना चाहते हैं, मुझे आदमी से औरत बनाना चाहते हैं, और वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो कानून का प्रतिनिधि है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और किसी शक्ति के बारे में, बोली ये शक्ति मुझे प्राप्त है, किसी शक्ति के बारे में बार बार वो कहता था कि मुझे शक्ति से, किसी ऊपर की शक्ति कह लें या शक्ति का नाम वो शक्ति ही लेता था, ये मुझे शक्ति ऊपर से प्राप्त है, इस तरह की बात वो कहता था। उसका ये भी कहना था कि लोग उसके साथ होमोसेक्सुअल बिहेवियर करना चाहते थे, और उसका कहना था कि मैं जानता था कि
कि मुझे होमोसेक्सुअल होमोसेक्सुअलिटी में डालकर वो मेरा लिंग पुरुष से महिला करना चाहते थे। और वो बार बार कहता था कि मैं कतई औरत नहीं हूं, ना औरत का मेरे में कोई गुण है, मैं 101% आदमी हूं। ये बात उसने हर बार के कन्वर्सेशन में बार बार रिपीट की है। उसके बाद वो ये कहता रहा कि गवर्नमेंट ने उसको कानून, जिसका वो अपने आप को प्रतिनिधि बता रहा था कि मैं उसका प्रतिनिधि हूं, उसी गवर्नमेंट ने उसे चोरी करने के लिए यहां पर भेजा था। लेकिन मैंने उससे एक कदम आगे बढ़कर मैंने मर्डर्स कर दिए। एक चीज और उस रिपोर्ट में लिखी हुई है कि उसका यह कहना है कि केवल 3 गवर्नमेंट है इस देश में, केवल 3 गवर्नमेंट रही हैं, एक अकबर गवर्नमेंट, दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट और तीसरा कांग्रेस गवर्नमेंट। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट इस देश में नहीं है, और यही गवर्नमेंट्स हमसे ये सब करा रही हैं, ऐसा वो बार बार कह रहा था। कुल मिलाकर कहने का ये कि जिस तरह की बातें उसने की, मेडिकल रिपोर्ट ने, मेडिकल टीम ने ये कहा कि वैसे तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इस तरह का इसका व्यवहार है, बोलना, या इसके दिमाग में घर कर गया है, इससे ये कहना मुश्किल है कि अनसाउंड माइंड का है, बट वेरिएशंस जरूर हैं। और इसीलिए 13 अगस्त 1969 के उसके जो उसको फांसी की सजा दी गई थी, 4 अगस्त 1987 को हाई कोर्ट ने इस मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट के बाद इस फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। लेकिन 7 अप्रैल 1995 को ये पूना के एक हॉस्पिटल में इसकी दोनों किडनी खराब होने से मृत्यु हो गई, जबकि वो पूना के यरवदा जेल में अपनी आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। इसके बारे में तमाम और ढेर सी किस किस तरह से इसने इसने हत्याएं की हैं, क्या इसका मानसिक स्तर था, तमाम नेट पर इस पर बहुत ढेर सारे डिटेल डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं। रमन राघव से बड़ा, रमन राघव से ज़्यादा दुर्दांत सीरियल किलर महाराष्ट्र की हिस्ट्री में नहीं हुआ है, और इस पर बहुत ढेर सारी फिल्में, बहुत ढेर सारी फीचर फिल्में बनी हैं। डायरेक्टर श्री राम राघवन ने 70 मिनट की एक फीचर फिल्म राघव पे बनाई थी, रमन राघव अ सिटी अ किलर, जिसमें रघुवीर यादव ने रमन राघव की भूमिका निभाई थी। 1978 में तमिल फिल्म सिगापू रोजाकल, ये भी रमन राघव के ऊपर बनाई गई थी। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रसिद्ध फिल्म अनुराग कश्यप की थी रमन राघव 2.0, बॉलीवुड की ये फिल्म थी, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रमन राघव का रोल किया था। 2016 के केन्स फिल्म फेस्टिवल में डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में ये फिल्म रिलीज की गई थी, और 24 जून 2016 को ये पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में एक साथ देखने के लिए रिलीज की गई थी। ऐसा करैक्टर था। आज की घटना, जैसे बाकी सीरियल किलर्स जिस पीरियड के थे, जिस कालखंड के थे, जिस समय के थे, ये भी लगभग उसी कालखंड का सीरियल किलर था। मैं बार बार कहता हूं कि उस समय पुलिस को आगे बढ़ने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई तरीका नहीं था। मोबाइल फोन नहीं थे कि लोकेशन कंफर्म करें, सीसीटीवी नहीं थे कि आते जाते समय कहीं इसकी फोटो कैप्चर हो। आज की इन्वेस्टिगेशन में जो सहायता करने वाले जितनी भी टेक्निक हैं, वो समय कुछ भी नहीं थी, और शायद इसीलिए वो इतने दिनों तक, 66 से 68 तक, 65, 66, 67, 68
41 हत्याएं उसने की होंगी। मेडिकल में भी कोई उसको अनसाउंड माइंड का नहीं बताया गया, लेकिन उसके कुछ कन्विक्शंस जो बचपन से थे वो उनसे उबर नहीं पा रहा था। जैसे कि उसे एक शक्ति प्रदान है, जैसे केवल 3 ही गवर्नमेंट हैं, इसके अलावा कोई गवर्नमेंट नहीं है, वो पूरे विश्व की बात करता था। जैसे लोग उसको फीमेल कन्वर्ट कराना चाहते हैं जबकि वो पूरी तरह से मेल है। इस तरह की बातें उसके दिमाग में घर कर गई। जरूर इस तरह की कोई घटना उसके साथ हुई होगी, हालांकि इसका जिक्र उसने नहीं किया। होमोसेक्सुअलिटी में ढकेलने की बात भी उसने कही कि मुझे इसमें ढकेला जा रहा है, लेकिन इसका भी कोई बहुत जिसको वो कहते हैं कि किसी एग्जाम्पल के साथ कि किसने ऐसा किया था उसने नहीं बताया। लेकिन आज की तारीख में वो देश का सबसे बड़ा, महाराष्ट्र का खासकर, सबसे बड़ा सीरियल किलर साबित हुआ और अपनी मौत ही मारा गया, बीमारी से मारा गया, जेल के भीतर मारा गया। हश्र यही होता है। इसलिए किस्सा गोई परिवार के लोगों से मैं हमेशा की तरह फिर एक बार कहूंगा कि अनयूजुअल बिहेवियर वाला कोई व्यक्ति आपके आसपास, पास पड़ोस या जानकारी में हो तो उस पर नजर जरूर रखें। उसके बारे में संबंधित, जिस किसी से संबंधित हो उसको बताएं जरूर। एक बार कोशिश करके चाहे पुलिस की मदद से उसे मेंटल हॉस्पिटल भिजवाएं जरूर। यह आप अपना नहीं सोसाइटी का भला करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।